Welcome everyone. Subscribe to Rachendra Mundada's classes and press the bell icon to stay updated. Thank you. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। हम सभी को एंड्रॉयड के बारे में तो 100% आइडिया है ही, बिकॉज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे डिवाइसेस पे चलता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे चलेगा, आपके स्मार्ट टीवी पे चलेगा, आपके जो कार का स्पीकर रहेगा, मतलब स्मार्ट स्पीकर पे चलेगा, कार के म्यूज़िक सिस्टम पे चलेगा। बट इन द फ्यूचर एक टेक्नोलॉजी आने वाली है और जो मतलब आ ही चुकी है, जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो बेसिकली क्या होगा कि ये जो सारे अप्लायंसेस हैं ये आपस में कम्युनिकेट करके डेटा को एक दूसरे को भेजेंगे और ऑटोमेटिक उसमें डिसीजन मेकिंग करेंगे। दोस्तों आपने होम ऑटोमेशन के बारे में तो सुना ही होगा। जैसा मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूँ कि जैसे आप अपने घर में एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगी, एसी ऑन हो जाएगा, फ्रिज ऑन हो जाएगा। जब आप घर से चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। ये सारे अप्लायंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बट इन सभी को अगर एक दूसरे से बात कम्युनिकेट करना है तो उन्हें कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना पड़ेगा, जो कि आज एंड्रॉयड ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो फ्यूचर में आने वाली है, जो IoT से रिलेटेड है। हे है एवरीबडी, आई एम से रचेंद्र मुंदड़ा एंड यू आर वॉचिंग आर सीरीज टेक टिप्स ट्यूजडेज। सो लेट अस स्टार्ट। उस जादुई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है फुशिया OS। यस, यू गॉट मी करेक्ट। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है फुशिया OS, जिसका लोगो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लेट मी इंट्रोड्यूस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाला है द इनोवेशन मार्केट लीडर, दैट इज द गूगल इटसेल्फ। यस दोस्तों, एंड्रॉयड गूगल ने ही बनाया, क्रोम OS गूगल ने ही बनाया, और IoT से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आगे आने वाला है, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी मैन्युफैक्चरर, उसका भी बनाने वाला कंपनी है, उसका नाम है गूगल। नेक्स्ट, अब आपको मैं बताऊँगा कि कहाँ पे एंड्रॉयड कम पड़ता है और इसलिए फुशिया OS का जो है वो इन्वेंशन हुआ है। देखिए, कर्नल करके होती है चीज़ कि जिस पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। तो गूगल का जो क्रोम OS है, गूगल का जो एंड्रॉयड है, ये लिनक्स कर्नल पे बना हुआ है। बट ये जो लिनक्स का कर्नल है, ये IoT के टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। IoT के सपोर्ट करने वाला जो कर्नल जो गूगल ने इन्वेंट किया है, उसका नाम है मेजेंडा, और इस मेजेंडा पर ही बेस्ड है आपका जो फुशिया OS। नेक्स्ट, क्योंकि ये गूगल के तरफ से है तो इसमें ऑसमनेस तो होने ही वाली है। नाउ लेट अस सी कि क्यों फुशिया OS आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की इस दुनिया में सारे अप्लायंस का एक दूसरे से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो डेटा को एक्सचेंज कर पाएंगे। और इस कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम सभी में चाहिए, मतलब आपके फ़ोन में भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपके कार के म्यूज़िक सिस्टम में वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपके AC में भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपके फ्रिज में भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तभी ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो फुशिया OS का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि IoT को सपोर्ट करता है और सारे डिवाइसेस पे ये मल्टी प्लेटफॉर्म काम करेगा, तो सारे ही डिवाइसेस में चलेगा फुशिया OS। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये। अब आते हैं फ़ायदा नंबर 2 पे। देखिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सक्सेस डिपेंड करता है उसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इकोसिस्टम पे। जैसे अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो बहुत सारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसीलिए एंड्रॉयड सक्सेसफुल है। iOS जो कि एप्पल का है, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, इसीलिए iOS सक्सेसफुल है। विंडोज़ ने भी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाई थी, बट क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं थे और वो यूज़र फ्रेंडली भी नहीं था, इसलिए विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन से केस में नहीं हो पाया। अब बात करते हैं फुशिया OS की। तो फुशिया OS एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, मतलब कि फुशिया OS में आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फुशिया OS को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है, बिकॉज एंड्रॉयड का अपना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है जो फुशिया OS को ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। सो दूसरा फायदा है कि एक स्ट्रॉन्ग ऐप इकोसिस्टम। अब बात करेंगे अपडेट्स की। अब ये देखिए,
एंड्रॉयड में बहुत सारे वर्जन आए, जिंजर ब्रेड, जेली बीन, किट कैट, अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड पाई चल रहा है उसके पहले चल रहा था ओरियो, तो इतने सारे, क्योंकि ये एप्लीकेशन इतने सारे ये जो वर्जन है तो फ्रैगमेंटेशन बहुत हो चुका है। तो गूगल को जब कोई अपडेट देना होता है तो इतना सारा ये स्प्रेडेड है, बहुत सारे हजारों लाखों डिवाइसेस है कि इसमें अलग अलग वर्जन्स के एंड्रॉयड चल रहे हैं, तो सभी को एट अ टाइम अपडेट करना गूगल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बट क्योंकि फुशिया ओएस एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसीलिए वो मल्टीपल डिवाइस अपडेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिंगल हैंडेडली पॉसिबल हो पाएगा। तो अपडेशन की नज़र से भी फुशिया ओएस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अगला फ़ायदा जो है वो ऐप डेवलपर्स के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो एंड्रॉयड पे भी है, वो आईओएस पे भी है। तो अगर एक ऐप डेवलपर को अपना ऐप पॉपुलराइज करना है पूरे वर्ल्ड में तो उसको मिनिमम दो वर्जन तो बनाने पड़ते हैं, एक एंड्रॉयड के लिए और एक बनाता है वो आईओएस के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा फुशिया ओएस की, कि उसके लिए जो एप्लीकेशंस बनेंगे वो बनेंगे फ्लटर एसडीके पे। ये एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप एप्लीकेशंस को बना पाओगे फॉर फुशिया ओएस, और इस एनवायरनमेंट में जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो आईओएस के प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करते हैं और वो एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करते हैं। तो एक ऐप डेवलपर के लिए अब आगे चल के बहुत ईजी होने वाला है कि आप सिर्फ फ्लटर स्टॉक एसडीके के इसमें आप एप्लीकेशंस को बनाइए, वो एंड्रॉयड पे भी चलेगा, आईओएस पे भी चलेगा और फुशिया ओएस पे भी चलेगा, राइट? सो इतने सारे फायदे के साथ ये फुशिया ओएस जल्द ही दुनिया में आने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कब ये फुशिया ओएस लॉन्च होने वाला है, 2018 में गूगल ने इस प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे हाइलाइट्स मार्केट में दिए थे। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि बाय द एंड ऑफ 2018 फुशिया ओएस मार्केट में कुछ डिवाइसेस हमको देखने मिलेंगे, बट अभी भी उस पर डेवलपमेंट का काम जो है वो काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। वी मे होप दैट बाय द एंड ऑफ 2019 और बाय समवेयर बिटवीन द मिड ऑफ 2019 हमें फुशिया ओएस के रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में देखने को मिले। तो हो सकता है कि आपके फोन्स में फुशिया ओएस आपको देखने को मिले, आपके कार के म्यूजिक सिस्टम में फुशिया ओएस आपको देखने को मिले, एसी में लग जाएगा फुशिया ओएस, हर तरफ फुशिया ओएस ही रहेगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ईजिली और जल्द ही एक रियलिटी बनने वाला है। आई होप दोस्तों हमारे इस वीडियो से आपको फुशिया ओएस इस न्यू टेक्नोलॉजी, इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी तो मिली ही होगी। एंड आई होप आप हमारे टेक टिप्स ट्यूसडेज के सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार आप दे रहे हो और आपको अच्छा ही पसंद आ भी रहा है, राइट? इसी तरह चैनल में आके सब्सक्राइब करने के लिए और हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।